नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मौसम है, ये बरसात का जो मौसम होता है, इसमें तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां फैलती रहती हैं। सर्दी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें फैलती हैं। खास तौर से सर्दी जुकाम का जो वायरल फीवर होता है, वो तो हर घर में फैलता है और दो चार लोग तो उससे परेशान होते ही रहते हैं। इस समय वायरल बीमारियों से निपटने के लिए होम्योपैथी सबसे कारगर इलाज होता है, क्योंकि वायरल बीमारियां कभी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती हैं। एंटीबायोटिक शब्द का मतलब ही है कि उन दवाओं का इस्तेमाल उस कंडीशन में किया जाता है जबकि कोई बीमारी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न हुई हो। तो यदि हम जानते हैं कि ये वायरल बीमारी है, वायरल फीवर है, वायरल राइनाइटिस है, एलर्जी है, तो उस कंडीशन में जब फ्लू जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, पेशेंट को सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तब उस कंडीशन में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके लिए होम्योपैथी में मर्कसॉल, यूपेटोरियम, परफोलियाटम, आर्निका, बेलाडोना, एकोनाइट, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। लेकिन जनरल मेडिसिन के रूप में एक प्रोडक्ट होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है वो है AF टैबलेट। इस टैबलेट का नाम ही है AF टैबलेट, यानी कि एंटी फ्लू टैबलेट्स। ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट होता है जिसके कि रिजल्ट मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं, और यदि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसका यूज़ किया जाता है, एंटी फ्लू टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उनके ठीक होने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, यानी पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो आज मैं आपसे इसी एंटी फ्लू टैबलेट के बारे में बात करूंगा, इसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा कि इस मेडिसिन का यूज़ क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं और इसके डोजेज किस तरह से लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये SBL कंपनी का ही प्रोडक्ट है। हालांकि मैं किसी कंपनी को भी प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके लिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं कि ये जो टैबलेट्स हैं ये वाकई में बड़ी यूजफुल हैं, और बहुत सारे लोग केवल एंटी फ्लू टैबलेट का यूज़ करके ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो वायरल फीवर होता है वो अपने आप ही 5-6 दिन में ठीक हो जाता है। तो एक जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने में एंटी फ्लू टैबलेट्स यानी कि AF टैबलेट बहुत अच्छा उनको सपोर्ट कर देती हैं, उनकी सहायता कर देती हैं। यदि हम इसके टैबलेट के इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं जेलसीमियम सेमीपरवेंस 3x पोटेंसी में, यूपेटोरियम 3x पोटेंसी में, बेलिसपेरेनिस 3x पोटेंसी में और ब्रायोनिया 3x पोटेंसी में। अगर आपने मेरा वायरल फीवर वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उस वीडियो में भी इन्हीं मेडिसिन के बारे में बताया है। जेलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और वायरल फीवर के ज़्यादातर केसेस इससे ठीक हो जाते हैं। यूपेटोरियम पर्फ, हाथ पैरों में दर्द, शरीर में जकड़न होना, हड्डी टूटने जैसा बुखार आना, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। इसके साथ ही बेलिसपेरेनिस भी वायरल फीवर की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से न्यूरालजिया के केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ब्रायोनिया अल्बा, उन कंडीशन में जबकि पेशेंट को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है, बिल्कुल उससे हिलते डुलते नहीं बनता है, पेशेंट एक जगह पे ही पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, तब उस कंडीशन में ब्रायोनिया का यूज़ किया जाता है। तो ये जो चारों मेडिसिंस इस टैबलेट में मिलाई गई हैं, ये अपने आप में सबसे अच्छी हैं और वायरल फीवर के ज़्यादातर केसेस इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। अब यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करें, तो इसमें इंडिकेशंस लिखे हुए हैं एक्यूट कैटरल कंडीशंस, यानी कि सर्दी जुकाम के एक्यूट केसेस विथ बॉडी एक, जहाँ पे कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, पूरा शरीर दुख रहा हो, कफ यानी कि खांसी आ रही हो, कोल्ड यानी कि सर्दी हो रही हो, स्नीजिंग यानी कि छींकें आ रही हो, और कोराइजा यानी कि सर्दी जुकाम जिस कंडीशन को कहते हैं कोराइजा, यदि ऐसा हो रहा है तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। यदि हम इस टैबलेट के कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि आखिर कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो नोन कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि इस टैबलेट के कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक पता नहीं चले हैं। काफ़ी लंबा समय इसको हो गया है, लगभग 10-12 साल तो मुझे ही प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, तो अभी तक तो इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं, तो इसका जो डोज है वो लिखा हुआ है 2 tablets every 3 hours 4 times a day। तो यहाँ पर जो AF टैबलेट है उसको दिन में 4 बार यूज करना है, 2-2 टैबलेट। मैं आपको ये टैबलेट बता देता हूं कि किस तरह की ये टैबलेट्स हैं। इस तरह का आपको इसके अंदर एक लीफलेट मिल जाएगा,
जिसमें कि पूरी इसकी जानकारी लिखी हुई है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जेलसीमियम के बारे में लिखा हुआ है, यूपेटोरियम, बैलेस पेरेनिस, सभी चीज़ों के बारे में लिखा है, ब्राइनिया के बारे में भी लिखा है। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई रहती है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो टैबलेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी टैबलेट हैं, कंपैरेटिवली जो नॉर्मल टैबलेट्स आती हैं उनसे थोड़ी बड़ी हैं, इसीलिए जो इसका डोज है वो दो दो टैबलेट दिन में चार बार का है। यदि इसका खाने का तरीका देखें तो इसको सीधे जीभ पे रख के ही यूज़ किया जा सकता है, और सीधे जीभ पे रख लें तो ये मुंह में घुल जाती है, पानी से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यदि हम बच्चों में इसके डोज की बात करते हैं तो इस पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द एडल्ट डोज, यानी कि बड़े लोगों के डोज का आधा। तो बच्चों में मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि एक एक टैबलेट दिन में चार बार दी जाए। यदि 6 महीने से लेकर 10 महीने तक की उम्र के बच्चे हैं तो फिर उनको पानी में घोल के, एक चम्मच पानी में घोल के दे दी जाए एक एक टैबलेट दिन में चार बार, और उनको पानी पिला दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही यदि 10 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चे हैं तो वो आराम से चीज़ों को निगल सकते हैं, मुंह में रख सकते हैं, उनको एक एक टैबलेट दिन में चार बार उनको दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार की फ्लू की कंडीशन, जहां पर कि आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, नज़ला हो रहा हो, सर्दी जुकाम आपको हो रहा हो, सिर दर्द आपका हो रहा हो, उन सारी कंडीशंस में आप इस AF टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। ये दवा खाते समय दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दवा हम हमेशा तब खाएं जबकि हमारे मुंह में किसी चीज़ का स्वाद ना हो। अब यदि हमें दिन में 3 से 4 बार इस दवा को खाना है तो हमें अच्छे से कुल्ला करके, मुंह को बिल्कुल साफ करके, आधे घंटे पहले से कुछ भी खाना बंद कर देना चाहिए, और दवा खाने के 10-15 मिनट बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये दवा जीभ पे रख के सीधे चूसते हैं, इसे पानी से नहीं खाया जाता है, तो इस प्रकार इसका जो प्रभाव है वो हमारे पूरे शरीर पर होता है। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन फार्मेसी पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस दवा के साथ साथ खाने से ऐसा लगता है कि बुखार भी बहुत ज्यादा तेज है और बदन भी दर्द हो रहा है, तब वो AF टैबलेट के साथ साथ यूपेटोरियम परफोलियाटम नाम से जो होम्योपैथी दवा आती है उसकी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पर रखकर पी सकता है। ये दवा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि यूपेटोरियम और AF टैबलेट आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम करती है और आपकी फ्लू की समस्या को पूरी तरह से 3 से 4 दिन में ही खत्म कर देती है। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।